नमस्कार किसान साथियों साथियों आज अपन बात करेंगे गेहूं की उन्नत वैरायटी श्रीराम 111 के बारे में। साथियों इस फील्ड में श्रीराम 111 गेहूं की वैरायटी का बुआई की हुई है। साथियों श्रीराम 111 गेहूं की ये वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसमें फुटान काफ़ी अच्छी देखने मिलती है, कल्ले अच्छे फूटते हैं, बाली की लंबाई देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी है। इस खेत में लगभग 70 से 75 दिन के आसपास फसल हो चुकी हैं, बालियाँ निकल चुकी हैं, बालियों में भी फ्लावरिंग स्टेज चल रही हैं, बाली काफ़ी अच्छी लंबी है, इसमें दाना बढ़ने की अवस्था शुरू हो चुकी हैं। किसान साथियों श्रीराम 111 में फुटान के साथ साथ देख सकते हो आप इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी पाई जाती है, इस कारण साथियों इसमें रोग देखने में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा साथियों इसकी पौधों की हाइट लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास होती है और तना मजबूत होता है, इस कारण साथियों पौधे हवा के द्वारा नीचे नहीं गिरते हैं। इसके अलावा साथियों इसका दाना सख्त होता है, चमकदार होता है और आकर्षक होता है। किसान भाइयों श्रीराम 111 वैरायटी लगभग 105 से 110 दिन के आसपास में पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी पैदावार क्षमता की बात करें तो अन्य वैरायटियों के मुकाबले ये अच्छी पैदावार देती हैं। अगर इसकी खेती वैज्ञानिक ढंग से करें तो किसान 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार आसानी से ले सकते हैं। किसान साथियों इसके जड़ तंत्र भी काफ़ी अच्छा फैला होता है, फुटान अच्छी होती है, इस कारण साथियों किसानों को अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है श्रीराम 111 वैरायटी। साथियों इसके पत्तों की साइज देख सकते हो, थोड़े पत्ते हैं और पत्ते हरे रहते हैं, इस कारण साथियों भोजन बनाने की क्षमता भी इसके पौधों में अच्छी होती है, इस कारण दाना बड़ा होता है, चमकदार होता है। अगर हम 1000 दानों का वेट करें तो 15 से 18 ग्राम के आसपास देख सकते हैं और बालिक लंबाई तो काफ़ी अच्छी है। और किसान भाइयों आप श्रीराम 111 की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई की बात करें तो गेहूं में आमतौर पर 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो साथियों आप समय समय पर सिंचाई करें और समय समय पर खाद और रोग का मैनेजमेंट करें। साथियों जय हिंद जय भारत जय किसान।